महिला अपने सिर के चारों ओर प्लास्टिक फिल्म तब तक लपेटती गई जब तक कि उसका फेस पूरी तरह से कवर नहीं हो गया। महिला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चेक करना चाहती थी कि क्या वो इस वक्त सपने में है या नहीं। फेस पूरी तरह से कवर होने की वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। अब आखिरी सांस में उसने जल्दी से अपने सिर पर लगी प्लास्टिक फिल्म को फाड़ दिया। इसके बाद महिला ने चैन से सांस ली, लेकिन अभी भी उसे लगता है कि वो सपने में ही जी रही है, क्योंकि जब से वो अपने पति के साथ नए घर में आई है उसे अक्सर कुछ अजीब सी चीजों का सामना करना पड़ता है। एक दिन वो यूं ही कांच पहुंच रही थी, तभी उसके पीछे की दीवार अचानक अजीब तरह से उसके पास आ गई और जल्द ही वो कांच के सामने दब गई और हांफने लगी। लेकिन फिर उसके आसपास सब कुछ एक पल में नॉर्मल हो गया। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन शीशे पर छोड़ी गई सांस ने सब कुछ साबित कर दिया। उसने रात में अपने पति को इस अजीब चीज के बारे में बताया, लेकिन ये सुनकर उसके पति को लगा कि उसको मेंटल प्रॉब्लम है और उसने कहा कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा। लेकिन अगले ही दिन वही अजीब चीज फिर से हुई। उसने पाया कि जो अंडे उसने खरीदे थे वो खोखले थे, साथ ही घर में रखे सारे अंडे भी खोखले निकले। इस जगह को समझने के लिए महिला पति के काम पर जाने के बाद चुपके से घर से बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही वो बस में बैठी तभी उसे कुछ भयानक चीज दिखाई।